in our meal, that is called our food. Okay, and the next topic is, why do we need food? Why we people eat food? There are some functions, some work of food that food performs in our body. First is, it provides energy to our body. All the activities that we do in our day-to-day routine, that energy we get from food. And next is, it helps us to grow. We grow, okay? आप पहले बच्चे थे, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप और भी बड़े होंगे. So you are growing. So what is helping you to grow? It is food. Next is, it helps to protect our body from diseases. It gives us immunity. If your immunity is strong, you people will be safe from diseases. So what is providing you immunity? It is the food. And the next and the last one that we have done is, it repairs the worn out tissues. Tissue is the smallest unit that our body is made up of. उससे भी small unit होती है, एक और होती है. तो tissue का बनने में और जो tissues work करते करते टूट जाते हैं, उनकी repair में क्या help, कौन help करता है? Food help करता है. Next we have done nutrients. Nutrients are important, essential and inseparable. जो हम अलग नहीं कर सकते, ये हमारे फूड में होने ही होने चाहिए. Essential components of food are called nutrients. Okay? And then we have done classification of food. Food is categorized into three categories: energy giving food, bodybuilding food and protective food. Energy giving food includes carbohydrates and fats. Bodybuilding food includes proteins and protective food includes vitamins and minerals. Then we have done detailed study of each one of these. Apart from this, we have also done other components like water and roughage. Then we have done balanced diet. Balanced diet is a diet in which all the nutrients are present in adequate amount. जितनी चाहिए उतनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास वाज जंक फूड. जंक फूड जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है. इट इज रिच इन फैट्स एंड शुगर, दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ एंड इट कॉजेज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. जैसे जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं वो बहुत फैट हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं एंड और भी बहुत जैसे डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. स्वीट एंड शुगरी थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन जंक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज प्रिजर्विंग फूड और फूड प्रिजर्वेशन. ओके, सो बी अटेंटिव, दिस टॉपिक इज न्यू टू यू. आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब बहुत ध्यान से सुनेंगे. ओके, सो यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रिजर्विंग. व्हाट इज प्रिजर्विंग? प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? प्रिजर्व करना मतलब बचाना, ठीक है, किसी चीज को बचा के रखना. सो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. फूड को कैसे बचाना है? पहली बात तो हमें फूड को बचाने की क्या जरूरत है? फूड तो हम रोज बनाते हैं, रोज खाते हैं, बट आपको पता है कुछ ऐसे फूड आइटम्स होती हैं जो लॉन्गर टाइम के लिए हमने अपने पास रखनी होती हैं. अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ फूड आइटम्स के नेम. जो वो फूड आइटम्स आप खाते हो वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है? चिप्स कौन खाता है? अपना हैंड रेज कर देंगे बच्चे. चिप्स कौन खाता है? काफी बच्चे खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, बाकी बच्चे नहीं खाते. ओके, और मैं पूछती हूँ जैम कौन खाता है? जैम भी खाती हो आप? ओके, हरसिमरन भी खाती है, रितमन है, हरनू है, वेदिका भी खाती है, ठीक है. और आपको ये वाले जो फूड आइटम्स हैं ये किस में मिलते हैं? चिप्स आपको किस में मिलते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखोगे आंसर. जब आप चिप्स लेने जाते हो बाजार से, आपको हाथ में दे देते हैं, किस में देते हैं आपको चिप्स शॉपकीपर? चैट बॉक्स में लिखेंगे सर. पॉलिथिन में, पैकेट में? यस, मोस्टली हमें पैकेट में ही मिलते हैं चिप्स, हमें पैकेट में मिलते हैं. और जैम हमें किस में मिल सकता है? अगर आप जैम लेने जाओ तो जैम किस में मिलेगा?
Sargun is saying she ate chips on Saturday night. Box में या फिर आपको bottle में मिलता है. तो jam जैसे अगर आप खाते हो, आप इतनी बड़ी bottle है, वो आप एक बार में तो सारा नहीं खा लेते, है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Okay, now stop writing in the chat box. जब आप jam लेकर आते हो तो आप एक बार में तो सारा नहीं खा लेते हो, आप बाकी टाइम उसको रखते हो ना, तो वो खराब क्यों नहीं होता? जैसे कोई चीजें होती है ना, इस समर सीजन में बहुत ये नॉर्मली होता है, आपकी मदर कहती है कि ये आपने अब नहीं खाना, ये सब्जी खराब हो गई है, ये खाने लायक नहीं है अब. ठीक है, अगर हम खराब फूड आइटम्स खाते हैं तो वो हमारा पेट खराब करती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है उससे. ओके, तो ये वाली जो चीजें हैं जो हम बाजार से लेते हैं, कोई भी चीज, जो चॉकलेट भी ले लो, ठीक है, कोई भी चीज हम जो बाजार से खाने वाली लेते हैं, वो खराब नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें करी जाती हैं, उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है जिससे वो फूड बचा रहता है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खराब होने से बचा रहे हैं, इसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. ओके, और प्रिजर्विंग फूड. तो आपकी बुक में क्या लिखा है? ईटिंग रोटन फूड. रोटन मतलब जो खराब हो गया है, रॉट मतलब खराब, आरओटी रोट इज खराब. इसका आप मीनिंग लिखो लोगे अपनी बुक पे. बुक है सबके पास, पेंसिल रखी है ना? ये मैंने आपको हर बार क्लास में बोला है कि आप पेंसिल अपने पास रखोगे. रोटन फूड मतलब खराब हुआ खाना, जो खाना खराब हो चुका है, इसका मीनिंग लिख लोगे आप. मेक्स अस फॉल सिक. सिक कैसे हो जाएंगे हम? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारा पेट खराब हो सकता है. हर्षिता, इट्स पेज नंबर 9. इट्स ऑन पेज नंबर 9. तो हमारा पेट खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिट हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती हैं. तो हम बीमार हो सकते हैं खराब खाना खाने से. एंड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, वी नीड टू प्रिजर्व इट. ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, ये इसकी डेफिनेशन है. किसकी? फूड प्रिजर्विंग फूड की. इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन और व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्विंग फूड, यू कैन आंसर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. ओके, खाने को खराब होने से बचाना. स्पॉइल मतलब भी खराब होना होता है, ठीक है? स्पॉइल मतलब भी खराब होना होता है, तो इसका भी मीनिंग आप लिख सकते हो. इसको अंडरलाइन भी करोगे. We need to preserve it. Is that clear? Show me your thumbs up if this definition is clear to you all. Very nice. Very nice. So there are some methods. कुछ procedures होते हैं food preservation के, होते हैं बहुत सारे, but हम यहाँ पे 4 पढ़ेंगे जो आपकी book में given है on the page number 9. Okay? So first is फ्रीजिंग. इसमें आपको मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करके दिखाऊंगी. तो तब तक आप मुझे आप इसका मीनिंग बताओ. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीज करना मतलब क्या होता है? फ्रीज मतलब अगर कोई जमाना, कीप इन फ्रिज. यस, ओके, मींस आपको फ्रीजिंग का मीनिंग क्लियर है. यस, वेरी गुड. तो ये देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, ये किसकी है? एक फ्रिज की है. फ्रिज में आप, अब मुझे बताओ, टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? आपको ठंडा फील होता है या गर्म फील होता है फ्रिज में? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में क्या फील होता है? यस, फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है और वो कूलिंग देता है. अब एक्चुअल में होता क्या है, अब ध्यान से सुनो. ओके बच्चे, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी. जब हम कोई खाना फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बहुत लो है, तो जो खाना खराब करने वाले कुछ चीजें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना खराब करते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। अब ये वर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ये आपके लिए न्यू वर्ड है, ये आपको नहीं पता ये क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह के लिविंग थिंग्स ही होते हैं, बट ये इतने छोटे होते हैं हम इनको देख नहीं सकते। ओके अब जैसे वायरस है, वायरस वर्ड आपने बहुत सुना है, कोरोना वायरस है जिसकी वजह से आप घर बैठे हो। तो जो ये वायरस है, ये वायरस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? ये हम देख नहीं सकते बट ये एग्जिस्ट तो करता है, हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, हम इसको देख नहीं सकते, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होता है, ठीक है? तो ये खाना खराब करते हैं। तो जैसे फ्रिज में टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो इतने लो टेम्परेचर में खाना खराब नहीं होता। अब आप मुझे एक एक फूड आइटम का नेम लिख के बताओगे जो हम फ्रिज में रखते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए। कोई भी एक फूड आइटम जो हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। जैम, वेरी गुड। फ्रूट, वेरी गुड सर। मिल्क, एब्सोल्युटली करेक्ट। जूस, यस। वेजिटेबल, बटर, यस यस। देखो अब आपके पास कितनी सारी एग्जांपल्स आ गई हैं फूड आइटम्स की, मिल्क, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैम, जूस, केक, ये इतनी सारी चीजें हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ये खराब नहीं हो। चॉकलेट भी ठीक है, आइसक्रीम डेफिनेटली, कर्ड, यस, ओके। सो फ्रीजिंग इज क्लियर टू ऑल आई होप। तो नेक्स्ट हम करेंगे ड्राइंग। ड्राई मतलब सूखा, ठीक है? जो चीज सूख जाती है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, हम कुछ फूड आइटम्स को सन के नीचे रख देते हैं सूखने के लिए। अब जो चीज पहले से सूखी है वो उसको और कैसे कितना सुखाएंगे? कोई भी फ्रूट है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने वाटर वाला टॉपिक किया था। फूड में कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है, और जब हम उसको सन में रख देते हैं तो जितना उसका मॉइस्चर है वो उड़ जाता है सन की गर्मी से, और जो पीछे चीज रह जाती है उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर कंटेंट जो होता है फूड में। ओके ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है। अब मॉइस्चर क्यों निकाला जाता है? मॉइस्चर अगर फूड में होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर किसी चीज में मॉइस्चर कम है तो उसमें कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो अगर हम मॉइस्चर ही निकाल देंगे किसी फूड आइटम से तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे ही नहीं, ठीक है? जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक्चुअल में क्या थे? फ्रूट थे। अब उनको ड्राई कर दिया है इसलिए क्या कहते हैं उसको? ड्राई फ्रूट्स। नट्स हैं, ये सब ड्राई किए जाते हैं। ओके ये आप पिक्चर्स भी जो देख रहे हो ना, ये भी वही है। अगर आप कभी पहाड़ों वाली साइड गए होंगे ना, हिल स्टेशन पे, तो वहां पे सूखे हुए एप्पल मिलते हैं, सूखा हुआ एप्पल मिलता है वहां पे। यस कोरिएंडर भी ड्राई कर लेते हैं हम, फेनुग्रीक भी, फेनुग्रीक हम ड्राई कर ही लेते हैं, उसके सीड्स हम बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हिल स्टेशन पे सूखा हुआ एप्पल मिलता है। जो रेड चिली होती है, रेड चिली को सुखा कर, ये जो सबसे नीचे वाली आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली, ये रेड चिली पाउडर है। ये रेड चिली पाउडर कैसे बना है? रेड चिली को सुखा कर बना है। तो इससे क्या होता है, इसको हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं। ओके तो इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे, बाय ड्राइंग फ्रूट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है पापड़, इसको आप सर्कल कर लो, जहाँ पे पापड़ लिखा है ना उसको आप सर्कल कर लो। पापड़ सबने खाए हैं, पापड़ भी क्या होता है, उसको पहले वो या तो फ्लावर का होता है या फिर रिफाइंड फ्लावर का होता है, उसको जैसे रोटी की तरह ही उसको बेला जाता है, फिर उसको सन में सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर वो पापड़ बन जाता है, ठीक है? पापड़ कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम्स एज इट हैज बीन सन ड्राइड। सन ड्राइड मीन्स सन में उसको सुखाया गया है,
नेक्स्ट इज कैनिंग. कैनिंग क्या होती है? कैन्स होते हैं ना जो कंटेनर्स, ये देखो ये कैन्स हैं, कंटेनर्स हैं. ये इसमें क्या स्पेशल है? क्योंकि ये एयर टाइट है. एयर टाइट क्या होता है? जिसमें हवा आर पार नहीं जा सकती, बाहर वाली हवा अंदर नहीं आ सकती, अंदर वाली हवा बाहर नहीं जा सकती. ठीक है, तो हवा में क्या होता है? हवा में मॉइस्चर होता है. माधवी पेज नंबर 9, हवा में मॉइस्चर होता है. अगर मॉइस्चर होगा तो अगेन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे. हवा नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे. तो बहुत सारी चीजें हैं हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से हवा आर पार नहीं हो और मॉइस्चर से फूड खराब नहीं हो. यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, मैं आपको कुछ भी एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम कोई नमकीन है, हमने खोला है, या फिर हमने बिस्किट का पैकेट खोल लिया है, हमने दो खाए, बाकी के सारे हम क्या करते हैं? एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ताकि वो सॉफ्ट नहीं हो और वो क्रंची रहे. ठीक है, तो इस तरीके से जो हम फूड को बचा के रखते हैं उसको कैनिंग कहते हैं. तो इसमें पढ़ेंगे कैन फूड्स आर कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम. जो फूड कैनिंग होता है उसको लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. सरगुन, ठीक है, मुझे पता चल गया है. कैंड कोक, यस, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो भी कैंस में आती है ना. जब आप उसको खोलते हो तब क्या होता है? उसमें से गैस निकलती है. तो अगर वो कैंड फूड जो कैन है वो एयर टाइट नहीं हो तो क्या होगा? गैस पहले बाहर निकल जाएगी, बाहर बाद में तो वो जस्ट एक शुगरी वाटर है फ्लेवर वाला. नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पिकलिंग. पिकलिंग क्या होती है? जो हम पिकल खाते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो डेली पिकल भी खाते होंगे, हर बार पिकल खाते होंगे, राइट? तो पिकलिंग में क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स चीजें हैं जिनको हम पिकल बना लेते हैं. पिकल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें विनेगर डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है और शुगर डाली जाती है. विनेगर क्या होता है? एक ये कलरलेस लिक्विड होता है. आप में से बहुत सारे लोगों के घर में होगा, नूडल्स और जब हम पास्ता बनाते हैं, कोई भी इटालियन या फिर चाइनीज डिश बनाते हैं उसमें हम विनेगर यूज करते हैं. कलरलेस लिक्विड होता है, आपके किचन में भी हो सकता है, आप अपनी मदर से पूछ सकते हो. तो वो थोड़ा सा एसिडिक सा होता है. तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, वो एक जो कंडीशन बनती है ना जिसमें हम फिर मैंगो को या फिर लेमन को रखते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, तो वो चीज खराब नहीं होती. यस, पिकल इज अचार, पिकल अचार होता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस को पिकलिंग कहते हैं. अब आप मुझे लिख के बताओगे चैट बॉक्स में आपने कौन कौन सा पिकल खाया है, और मुझे डिफरेंट आंसर्स चाहिए. जो एक बच्चे ने दे दिया आंसर वो दूसरा बच्चा नहीं देगा. मैंगो, ठीक है, तीन हो गए मैंगो. अब कुछ और, लेमन, दीक्षा लेमन लिख सकते हो ना. कार्तिक ने लिखा है कैरेट, वेरी गुड. और किसी चीज का नहीं खाते? मिक्स वेज, ओके, विनीशा ने मिक्स वेज लिख दिया है. कॉलीफ्लावर का खाते हैं, यस, ठीक है. तो ये सब हम पिकल्स खाते हैं. गार्लिक का भी खाते हो आप, ड्रैगन फ्रूट का भी खाते हो, चिली का खाते हैं, यस, आमला का खाते हैं. आमला इज गूसबेरी, यू कैन राइट गूसबेरी. ओके चेष्टा इज सेइंग आई डोंट ईट पिकल, ओके चेष्टा. ओके, सो ये टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन. इस टॉपिक में अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं. ये जो हमने चार मेथड्स किए हैं और फूड प्रिजर्वेशन की जो डेफिनेशन है, आप अपना हैंड रेज करोगे. आपको हैंड रेज करना आता है, आपके नीचे एक ऑप्शन आती है रिएक्शन की. जो बच्चे फोन पे हैं उनको मोर पे जाके आ सकती है ऑप्शन रिएक्शन, वहां पे जाके आप हैंड रेज करते हो. मैं जिस स्टूडेंट का नेम पूछूंगी वो अनम्यूट करेंगे. सरगुन, सरगुन मैम, मिल्क को पैस्टराइजेशन करते हैं या फिर कैनिंग? वो पैस्टराइज करके उसको कैनिंग की जाती है.
अगर आपने पूछ लिया, वैसे तो ये टॉपिक हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, तो मैं सब बच्चों को बता देती हूँ। मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक होती है, इसको कहते हैं पैस्चराइजेशन। अगर आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके फोर्थ क्लास में देखोगे ना, जो पहली पहली वाली वीडियोज है चैप्टर 1 की साइंस की, तो उसमें मैंने पैस्चराइजेशन एक्सप्लेन किया है। पैस्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को पहले बॉयल करते हैं 10 मिनट्स के लिए, बॉयल करते हैं, फिर उसको एकदम से इमीडिएटली उसको चिल करते हैं, बिल्कुल इमीडिएटली उसको फ्रीजर में ले जाते हैं। तो पहले वो एकदम से गर्म हुआ और फिर एकदम से ठंडा हो गया। इस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिल्क को खराब करेंगे वो मर जाते हैं, तो इससे जो मिल्क है वो खराब नहीं होता। जितना भी पैकेट्स में मिल्क आता है ना, पैकेट्स में आता है, कैंस में आता है, वो सारा मिल्क पैस्चराइज्ड होता है। ओके, और ऐसा जो मिल्क बनाया जाता है, थैंक यू, टाइम के लिए वो हम उसे रख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बाहर से मिल्क लेके आते हैं, सबसे पहले उसको बॉयल करते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। बॉइलिंग से भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिल्क में वो मर जाते हैं। ओके बच्चे, हमारा एक लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद में आपसे जो डिस्कशन करूंगी, ठीक है, 2-3 मिनट में हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑन पेज नंबर 10, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप सब बच्चे बहुत सारी चीजें इसमें से फॉलो करते होंगे, पर फिर भी ये आपको और सीखने की जरूरत है ताकि आप थोड़े और पर्टिकुलर हो जाओ, ठीक है। हेल्दी फूड एंड हेल्दी फूड हैबिट्स कीप अस हेल एंड हार्टी, हमें बिल्कुल हेल्दी रखती है। कीप इन माइंड द फॉलोइंग, ये कुछ पॉइंट्स है, ईट फ्रेश फूड, डू नॉट ईट फूड, डू नॉट लेट फूड गेट स्पॉइल्ड। फ्रेश फूड खाना चाहिए, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे कल रात का खाना अगर आप आज खाने लग जाओ तो वो उसमें थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगते हैं, तो उससे आप बीमार हो सकते हैं। और फूड जो हम छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते होंगे ना, ये वाली सब्जी नहीं पसंद है, थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी छोड़ दी, दैट इज रॉन्ग। फूड को खराब बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कम खाना है कम लो, अगर जितना आपकी प्लेट में है उसको सारा फिनिश करो। ओके, सेकेंड इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, बाद में भी। आज का जो टाइम है, जैसे वायरस है हर जगह, इस टाइम में तो हमें बार बार हैंड वॉश करना है। ओके, और खाना खाने से पहले तो बहुत अच्छे से करना है, नेल्स ट्रिम करके रखने हैं सबने। डू नॉट ओवर ईट, ओवर ईट क्या होता है, आपकी फेवरेट कुछ बना, कोई भी फेवरेट बनी है चीज, है ना, आपका पेट भर गया, आपने पेट भर के खा लिया, बट आपको दिल और कर रहा है मैं और खाऊं, और आप और खा रहे हो, जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हो ना पेट भरने के बाद, दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग, ठीक है। तो ओवर ईटिंग से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका वेट बढ़ेगा, आप इनएक्टिव हो जाओगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, आप फैट होने लग जाओगे। तो ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी, जितनी भूख है उतनी खानी है, अंडर ईटिंग भी नहीं करनी। ये नहीं कि आप मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी है तो मैं खाना कम खाऊंगा, जितनी आपको भूख है उतना आपको खाना है, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज में हो, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट टू मच ऑफ जंक फूड लाइक चिप्स एंड बर्गर, जंक फूड के हमने हार्म इफेक्ट्स पहले डिस्कस किए हैं, जंक फूड आपको अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपका दिल करता है तो आप मंथ में एक बार खा लो, कि मैंने ये दिन बर्गर खाना है, इस दिन मैंने नेक्स्ट मंथ में मैं ये खाऊंगा, उससे नेक्स्ट मंथ में मैं ये खाऊंगा, ठीक है, एक दिन मंथ में इनफ होता है जंक फूड खाने के लिए, अदरवाइज आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। नेक्स्ट इज ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कभी कभी क्या होता है, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच टाइम आपने अपना स्किप कर दिया, और आप खेलने में बिजी हो, खेलते जा रहे हो और आप अपना लंच टाइम स्किप कर देते हो, तो आपके जो मील्स हैं उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना है। ब्रेकफास्ट खाया, फिर अराउंड 11 o'clock आपके मॉर्निंग स्नैक्स लो, फिर लंच लो, फिर इवनिंग स्नैक्स लो, फिर डिनर लो, ठीक है, तो कुछ थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आपको खाना है। नेक्स्ट इज च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग, फूड को अच्छे से च्यू करना है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो आइडियली
हमें जो एक बाइट है फूड की उसको 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। ये डाइटिशियंस कहते हैं कि हमें एक बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, उसके बाद उसको स्वेलो करना चाहिए। स्वेलो मीन्स निगल लेना। ओके, तो ये आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब बच्चे आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। विनीशा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हरनूर इज सेइंग आई डोंट लाइक बर्गर एंड फ्राइज। वेरी गुड विनीशा, आर यू लिसनिंग? हरनूर लाइक्स वाटरमेलन। वेरी गुड हरनूर। गौरिका, प्रिवेंट भी बचाना होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब भी बचाना होता है, प्रिवेंट का मतलब भी बचाना होता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ओके, यू लाइक एप्पल, यू लाइक मैंगो, इट इज नाइस। सोहम, यू हैव क्वेश्चन? सोहम, सोहम आर यू देयर? बच्चे आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो अपने आप को। एक्सक्यूज मी मैम। यस विनीशा। मैम कल हॉलीडे है तो जो नोटबुक सबमिट करनी है वो कैसे करनी है? कल आप नहीं करोगे, जब आपकी टर्न आएगी नेक्स्ट टाइम तब आप करोगे। ओके मैम। सोहम, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम जो विनीशा ने पूछा था वो मुझे भी पूछना था। ओके, चेष्टा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? चेष्टा सर, स्टूडेंट्स को अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दो, इन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं। मैम कल नोटबुक सबमिट करनी है। बच्चे कल हॉलिडे है ना, तो कल नहीं होगी। रफ्तार मैम कल नहीं होगी। नहीं। गुरनाज कौर, आस्क योर क्वेरी। गुरनाज कौर, कीरत केंजल, डोनट तो आपको पसंद है बट आपको स्पेलिंग नहीं आते डोनट के। मैम हमने कल नहीं बुक सबमिट करनी, वेडनेसडे करनी है। स्कूल ऑफ है। नहीं, वेडनेसडे नहीं करनी, जो आपको टाइम मिले ना, जो डेज मिले हैं उसी दिन आना है आपने। अगर उस दिन हॉलीडे है तो उस दिन आपने नहीं आना है। मैम फिर फ्राइडे आएंगे, जो आपको डे मिला है उसी दिन। सचित दत्त, आई थिंक इट इज मयंक। मयंक, डू यू हैव अ क्वेरी? Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, what is the meaning of preservatives? Preservatives? Yes, ma'am. It's written here. कुछ chemicals होते हैं, ठीक है, जो food items में डाले जाते हैं उनको बचाने के लिए। उनका work preservation करना ही होता है। Okay? ये कुछ chemicals होते हैं जो अब आप पैक्ड फूड लेते हो उसके पीछे लिखे होते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं। ठीक है ना मैम? थैंक यू मैम। एक चीज भी मैम। यस मैम, जैसे कि टुमारो इज अ हॉलीडे तो इट मींस नेक्स्ट ट्यूसडे फॉर व्हिच नोटबुक्स? आई थिंक मैम ट्यूसडे एंड थर्सडे इज गिवन, सो ऑन थर्सडे। क्योंकि मैम फ्राइडे की भी बाकी बुक्स है, फोर बुक्स सब्जेक्ट की, मतलब ट्यूजडे रखी हुई है, बाकी है जो फ्राइडे है। हाँ जी मैम, नेक्स्ट फ्राइडे, अगर फ्राइडे को ही करनी है तो मैम इन्फॉर्म हो जाए तो बेटर है। मैम फ्राइडे को आप आ सकती हो, जो नोटबुक लिखी है फ्राइडे को देने के लिए वही देनी है, जो कल देनी थी वो आप नेक्स्ट ट्यूजडे ही लाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम आई हैव क्वेश्चन।
Yes, Chesha. I can't understand what is roughage. Roughage food में जो हम food खाते हैं उसमें कुछ fibers होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे digestion के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको roughage बोलते हैं. जैसे raw fruits and vegetables में बहुत अच्छे amount में roughage होती है, ठीक है, semolina में होती है. तो ये जो roughage है हमारे digestion के लिए अच्छे हैं, fibers होते हैं ये food के.